हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। सीयूईटी 2024 एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपने अभी अपना नीट का एग्जाम भी दिया होगा। मुझे उम्मीद है आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। जिन स्टूडेंट का नीट का एग्जाम भी अच्छा नहीं, बैकअप प्लान था या उन्होंने सीयूईटी को लेकर रखा हुआ था, या जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया केवल सीयूईटी के लिए थे, तो उनको ड्रेस कोड क्या रहने वाला है सीयूईटी वाले दिन, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, उनको कैसे रिविजन करना, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया। जाके कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसको जाके जरूर देखो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको जरूर फॉलो करना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे काउंसलिंग प्रोसेस में, और पूरा क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करना है, कैसे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। कोई भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले कि बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए ड्रेस कोड क्या होने वाला है, कौन कौन मतलब आपको कैसे कपड़े पहन के जाना है, क्या क्या चीज़ आपको रेस्ट्रिक्टेड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो सीयूईटी स्टूडेंट देने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो वो कि प्रेफर करें अगर गर्ल्स या बॉयज़ दोनों भी टी शर्ट पहन के जाए, मतलब हाफ बाजू वाला पहन के। जैसे ये मेरा फुल बाजू वाला है, आपको फुल बाजू वाला पहन के नहीं जाना है। अगर आप कोई भी शर्ट भी पहन के जा रहे हो तो हाफ बाजू वाला आपको शर्ट पहन के जाना है। और कोई भी सिंपल पैंट, मतलब कोई भी सिंपल पैंट्स आप पहन के जा सकते हो, जिसमें जेब वो चलेगा, जेब होगा वो चलेगा। लेकिन आपको कुछ भी ऐसे नहीं, जिस कोई भी पैंट है उसमें कम से कम 15-20 हज़ार तो चेन ही लगा हुआ है उसमें, इतना सारा चेन, मतलब कुछ स्टाइलिश टाइप में होता है ना कि बड़े बड़े बटनों वाला, तो इन सबको अवॉइड करें आप। उसके बाद में जूते पहनना आपके लिए अलाउ नहीं है, तो आपको जूते पहन के नहीं जाना है, या तो चप्पल या सैंडल में आपको जाना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो भी गर्ल्स हैं वो जिनका हील्स कम हील्स वाले सैंडल पहन के जाएं, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े हील्स वाले सैंडल पहन के जा रहे हो। उसके बाद में कि आपको ज्वेलरीज पहन के नहीं आना है, सनग्लासेस हुआ, घड़ी, टोपी, ये सब एग्ज़ाम में आपको रेस्ट्रिक्टेड है, इसको नहीं लेके आना। ना तो आपको वॉच लेके आना है, ना ही टोपी, घड़ी, ऐसा कुछ भी। आप अगर सोच रहे हो धूप से बचने के लिए टोपी लेके जा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी लेके नहीं जाना, अंदर आपको अलाउ नहीं करेंगे। गर्ल्स के लिए कोई भी हेयर बैंड या कोई भी जो ताबीज़ होता है ना, वो सबके लिए भी अलाउ नहीं है। अगर देखो आप कोई भी कल्चरल ड्रेस पहन के जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं तो पंजाबी हूँ, मेरे को ये पहन के जाना है, तो उसके लिए आपको एक घंटा पहले वहाँ उनसे बात करना होगा, वहाँ आपको चेकअप कराना, मतलब चेक इन कराना पड़ेगा, उसके लिए अलाउ है आपको, लेकिन पहले वहाँ जाकर रिपोर्ट करना होगा। और देखो ऐसा कुछ लेके गले में कोई हार हुआ, कोई भी आपका जैसे कि कुछ भी लाइक होता है ना, कड़े वगैरह कड़ा हुआ, या कुछ और भी ऐसा हैंड में पहनने वाला कोई भी आइटम हुआ, ये सब अलाउ नहीं है, इनको साथ लेके नहीं जाएं। और आपको करना क्या है, जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, उसका आपको जेरोक्स करा के, आप कलर प्रिंट भी करा सकते हो और नॉन कलर भी, जो ब्लैक एंड वाइट होता है दोनों चलेगा, वो लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैं कहूँगा आपको दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है, एक वहाँ पर आपको जब साइन कराने के लिए आता है तब चाहिए होता है, एक आपको अपने एडमिट कार्ड पर, तो आप मैं बोलूँगा तीन आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है ना। और आपका कोई भी एक आईडी, आपका जो आईडी प्रूफ होना चाहिए वो आप जरूर लेके जाएं। आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका वोटर आईडी हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आधार कार्ड लेके जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको ये कि आपका जब भी आपका एंट्री हो उससे पहले आपको पहुँचना है, मतलब कुछ टाइम पहले, ऐसा ना हो कि आपको पता है कि आपका 10 बजे से एग्ज़ाम है और आप पहुँच रहे हो वहाँ पर 9:35 पे, या 9 बजे आप वहाँ से निकल रहे हो, तो आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, और पहले आप सोचें, अगर आप एक दिन पहले जा सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। अगर आप बाई रोड आ रहे हो या बाई ट्रेन आ रहे हो, तो कब ट्रेन लेट भी हो सकती है, या बाई रोड में आपका कब ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट को अभी देखो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैंने आपको PYQs भी अपलोड कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके PYQs भी कर लो, और कुछ सैंपल पेपर भी मैं अपने तरफ से भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं आपको सैंपल पेपर भी अपलोड करूँगा, तो जाके उनको सॉल्व करो, उसी पैटर्न का पेपर आएगा, और जी जान लगा के अच्छे से मेहनत करके आपको पेपर करना है, ठीक है ना। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको एक चीज़ समझ आई। और एक चीज़ कि अगर आपको कोई सा भी यूनिवर्सिटी टारगेट में हो, अगर आपने CVT के फॉर्म में ICR सेलेक्ट किया, तो ICR के अंदर आपका जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, नवसारी हुआ, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मेरा वाला यूनिवर्सिटी वो हुआ, या कोई भी यूनिवर्सिटी आपका IRI टारगेट है, कोई भी हो, बस अच्छे से मेहनत करो, यूनिवर्सिटी को अपने दिमाग में रख के मेहनत करो, या कैसे भी करके। और अपने रिजल्ट को मत सोचो कि क्या होगा रिजल्ट, अभी अच्छे से मेहनत करो, डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई उनको ज़रूर ध्यान में रखना, और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम में, कि आप अभी से घबराने लग जाओ,
और मेरे से जितना होगा मैं आपका हेल्प करूँगा। कुछ सैम्पल पेपर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, तो आप उनको अच्छे से करना, आपको वो हेल्प करेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी।